तो हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिएटिन क्या होता है। तो पहले आपको ये नहीं पता कि क्रिएटिन कैसा होता है, मतलब किस तरह से होता है, क्या कैसा दिखता है, तो वो वीडियो देखे जल्दी से जाके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख ले, तो आपको उसमें दिख जाएगा किस तरह का होता है क्रिएटिन और क्रिएटिन सप्लीमेंट को हम क्यों यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि क्यों यूज करें सप्लीमेंट को, और जो भाई बिगनर है जिम ज्वाइन करते हैं तो उनको क्यों लेना चाहिए क्रिएटिन। तो आज की वीडियो में पूरी बताऊंगा कि क्रिएटिन क्या होता है और क्रिएटिन को कौन से भाई कौन कौन ले सकते हैं और कौन कौन नहीं ले सकते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो भी भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इस पर फिटनेस रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर कि क्रिएटिन क्या होता है। तो गाइज, क्रिएटिन एक सप्लीमेंट होता है जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मसल्स बढ़ेगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ कि कैसे, मतलब क्या होता है क्रिएटिन। तो क्रिएटिन हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है, तो जो नेचुरली बॉडी बनाती है वो तो बनाती है, बट वो थोड़ा कम अमाउंट में बनाती है, जिससे कि जो नेचुरली होता है, तो नेचुरली जो क्रिएटिन होता है वो बनाती है, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी एनर्जी मिलती है, जिससे कि सेल्स में एनर्जी स्टोर होती है, जिससे कि हमें स्ट्रेंथ बनती है बॉडी की। जैसे कि हम वेट मारते हैं, जिम में जाके वेट लगाते हैं, जो नेचुरल क्रिएटिन, जो नेचुरल बॉडी बनाती है क्रिएटिन, उससे हम जैसे कि 15 kg से 15 रैप मार रहे हैं, तो हम क्रिएटिन यूज़ करेंगे तो उससे 16 या 17 रैप लग सकते हैं। तो क्रिएटिन हमारे अंदर एनर्जी को स्टोर करता है और हमें मसल्स में पंप लाता है बहुत अच्छा। तो क्रिएटिन सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, जो भाई बिगिनर है तो ज़रूर क्रिएटिन को यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटिन से आपकी जल्दी बॉडी अच्छी बन जाएगी। तो क्रिएटिन ले लें आप, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है और सस्ता भी है। तो मैंने क्रिएटिन के ऊपर वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, तो जाके उसे भी देख लेना। उसमें मैंने क्रिएटिन का प्राइस भी बताया है, कौन सा क्रिएटिन लिया उसमें सब कुछ बताया, तो उस वीडियो को जाके देख लेना आप। तो मैंने, मुझे 1 महीना हो गया क्रिएटिन लेते लेते, तो जो भाई चैनल पे होंगे उन्होंने देखा होगा, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी हो रही है। तो मैं बता रहा हूँ कि उस समय स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और मसल मास बढ़ेगा, मतलब जब हम वेट मारते हैं तो मसल्स बढ़ेगी। तो क्रिएटिन इसलिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है बस। और क्रिएटिन को कौन कौन भाई ले सकते हैं, तो क्रिएटिन को सब भाई ले सकते हैं, बट जिस भाई को मतलब कोई किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई अदर बीमारी वगैरह है, तो वो डॉक्टर से सलाह लेके क्रिएटिन को यूज़ करें। वैसे क्रिएटिन के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बट जो भाई पहले से कोई प्रॉब्लम में है तो वो डॉक्टर की सलाह लेके क्रिएटिन को यूज़ करे। तो मैं दिखाता हूँ कि मेरी मसल्स मास में कितना इंक्रीजिंग हो रहा है, मेरे 1 महीना हो चुका है मेरे क्रिएटिन लेते हुए, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरे मसल्स मास बढ़ रहा है और स्ट्रेंथ तो बढ़ी रही है। जो भाई शॉर्ट वीडियो देख रहे होंगे मेरी, तो उसमें दिख रहा होगा किस हिसाब से मैं वेट मार रहा हूँ, तो मुझे खुद लग रहा है कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो आप भी जिम ज्वाइन कर रहे हो तो जाके ले सकते हो क्रिएटिन। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 15 दिन आपको जिम हो जाए करते हुए, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप 1 महीने जिम करने के बाद ही क्रिएटिन को यूज़ करें, क्योंकि तो 1 महीने में आपके बॉडी को पता पड़ जाएगा कि जिम की जो वेट वगैरह है वो मैनेज हो जाएंगे, क्योंकि नई नई जिम लगाते हैं तो बहुत भाई पे जिम के वेट कंट्रोल भी नहीं होते, रॉड भी कंट्रोल नहीं होती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने बाद क्रिएटिन ले लें, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे बॉडी में। तो मैं दिखाता हूँ मेरे में कितने रिजल्ट आए हैं बॉडी में, देख सकते हो मेरी बाइसेप्स पंप सा हो रहा है और स्ट्रेंथ तो बढ़ी रही है, मसल्स भी बढ़े हैं। तो गाइस, क्रिएटिन के ऊपर वीडियो बनाई है वो जाके देख लेना, उसमें मैंने इसका प्राइस भी बताया है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में फिटनेस के रिलेटेड इसी टॉपिक पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, गुड बाय। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।